आज की बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक पैसेंजर प्लेन शुक्रवार को कराची के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। यह प्लेन लाहौर से कराची आ रहा था। लैंडिंग से चंद मिनटों पहले इसका इंजन फेल हो गया, उसमें आग लग गई और वह जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया। प्लेन में 91 यात्री और 60 मेंबर सवार थे। इनमें 51 पुरुष, 31 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल थे। यह प्लेन कराची में मॉडल कॉलोनी के जिन्ना गार्डन इलाके में गिरा। वहां कई घरों में आग लग गई। इस इलाके को मलिर भी कहा जाता है। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इंजन फेल हो जाने के बारे में बताया, लेकिन लैंडिंग से ठीक एक मिनट पहले संपर्क टूट गया। पायलट का नाम सज्जाद गुल था। चश्मदीदों का कहना है कि पायलट ने प्लेन को रिहायशी इलाके से दूर ले जाने की कोशिश की, इसी वजह से कम घरों को नुकसान पहुंचा। प्लेन में एक को पायलट और 3 एयर होस्टेस भी थी। आपको बता दें कि ये प्लेन 10 साल पुराना था। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काफ़ी पास 1-2 से 3 मंजिलों मकान बने हुए हैं, जबकि एयरपोर्ट के इतने नज़दीक घर बनाने की इजाज़त नहीं होनी थी। अगर एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके की इजाज़त नहीं होती तो शुक्रवार को हुए इस हादसे की वजह से घरों में आग नहीं लगती। सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।